नमस्कार। कुछ दिनों से मैं अभी रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि समय नहीं मिल पाया। अभी मैं फ्रांस गया था तो वहां देखा कि मेरे जो नंबर डाले हुए हैं 8-10 जो भी हमने रिकॉर्ड किया है रागों का, यमन, दुर्गा, किरवानी, अहिर भैरव, भैरवी या जो भी चीज़ें हैं, लोग सुन रहे हैं। मुझे लगा शायद हमारे स्टूडेंट ही सुन रहे हैं। मेरे पास कुछ सीखने के लिए लोग आए और वो सुन रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा। मैं किसी को सिखा रहा था फ्रांस के अंदर तो गुरुजी बोले कि वो कि ऐसे ऐसे मैं आपका ये सीख रहा हूँ ऐसे ऐसे। मैंने कहा अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है हमारे स्टूडेंट के साथ साथ और भी लोग सीखें करें। एक्चुअली संगीत करने की विद्या है, जितना रियाज करेंगे जितना मेहनत करेंगे उतना कामयाब होंगे। ज़्यादातर मैं बच्चों लोगों को देखता हूँ कि बहुत जल्दीबाजी करते हैं कि जल्दी जल्दी आ जाए, और सबसे दुख की बात है कि अब सब उस्ताद भी बनते रहे कि क्या क्या टेक्निक है वो बताने लगते हैं। पहले आपको आना चाहिए, विद्वान हो। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान हैं, उनका ही सुने, और भी जितने भी हैं सीनियर फ्लूट जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जो कि लोग हर जगह बजाते हैं, उनका सुनना चाहिए। अब ले दे के कोई भी कुछ बक देता है और उसको ध्यान से सुनते हैं, इन लोगों को सुने शायद कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जितने अच्छे लोगों को सुनेंगे अच्छा मिलेगा। आज मैं दोपहर का एक राग, एक्चुअली वो दोपहर नहीं है, दिन के दूसरे पीढ़ी का समय का राग है, राग शुद्ध सारंग। फ्लूट के अंदर कुछ राग ऐसे बने हुए हैं जैसे कि यमन है, हंसध्वनि है, अहिर भैरव है, शुद्ध सारंग है, पुरिया कल्याण है, तो ये सब राग लोग इजीली बजा सकते हैं और बजाते भी हैं, सीखते भी हैं। तो ये सब रागे आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज मैं शुद्ध सारंग में एक बंदिश और कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि आप राग को एक्चुअली दोनों मध्यम को कैसे लगाना है ये भी पता होना चाहिए। तो राग शुद्ध सारंग में एक बंदिश और कुछ चीजें बताएंगे आपको। तीन ताल अगर आपको रियाज कर रहे हैं या बजा रहे हैं तो इसमें जो सरगम, सारे सरगम तो नहीं निकल सकते, यानी सारे अलंकार इसमें बजाने के लिए सिर्फ, अब जैसे अब जब आप दोनों मध्यम लगाते हैं तो स्वरों की तरफ ध्यान दें। रे मा पा मा पा मा मा रे पानी सारे मारे मानी सारे बानी सारे सानू। कुछ देर इसके अलंकार यानी कि सरगम करें, उसके बाद रागों की तरफ से जाएं आप। तो सुनिए आप।
देखिए कुछ सरगम जीभ से भी करें, कुछ फूंक से भी करें, जैसे कि हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया है वही चीज हम आप सभी को बता रहे हैं। लीजिए, इसमें आप गमक या जितनी भी चीजें हैं उसको बजा सकते हैं। ऐसे ही ऐसे है, ये देखिए, इसमें बंदिश, जब अंतरा करें तो थोड़ा सा अलाप, अलाप करने से राग का पूरा स्वरूप दिखाएं आप। Thank you.
अब हम इसमें कुछ चीजें आपको बताएंगे कैसे करना है। पंचम पे कटता है तो उसकी मुर्कियां भी अच्छी आनी चाहिए। देखिए मैंने एक ही वॉल्यूम में नहीं बजाया, अलग अलग वॉल्यूम में बजाया, तो पता होना चाहिए कि हमें कितने लेवल पे चलना है। कैसे? दो बार सेकेंड लाइन बजाई है।
छूट की ताने देखिए, सारण जितना भी आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, आनंद आएगा। सबसे जरूरी है कि सुर साधना, अलंकार ये करने से सभी राग अच्छे होंगे। ये नहीं कि हमें बहुत सारे राग मालूम होना चाहिए, पचासों सैकड़ों राग मालूम होना चाहिए, लेकिन रियाज एक दो राग में करें और बहुत दिल से करें। चलिए आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।